Hello viewers, this is Dr. Arva Bohra welcoming you all in my YouTube channel. I hope you guys are doing well. अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, इससे आपको मेरे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. आज इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट हाइट के लिए मतलब छोटी हाइट के लिए या छोटी हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी. सो, अगर आपकी हाइट छोटी है, आपका कद छोटा है, आपकी एज के हिसाब से या फिर आपकी हाइट बढ़ नहीं रही है या फिर आपकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लोली बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं है, तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखें. मैं इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं. सो, मेडिसिन आपको कौन सी लेना है, मेडिसिन आपको किस एज में लेना है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी उसका कॉम्पोजिशन क्या है और उसमें जो मेडिसिन हैं उसके एक्शंस क्या है, आपको किस डोजेज में और किस तरह से उस मेडिसिन को लेना है, उसकी MRP क्या है और आपको ये मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी. तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं. हाइट ग्रोथ एक बहुत ही बड़ा इशू है उन लोगों के लिए जिनकी हाइट छोटी होती है, जिनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और बढ़ती नहीं है. शॉर्ट हाइट होना कोई एबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन नहीं है और ना ही ये कोई डिसीज़ है, मतलब ये बीमारी नहीं है. बट जिन लोगों का कद छोटा होता है या जिनकी हाइट छोटी होती है वो अपने आप को दूसरे लोगों से अलग समझते हैं. एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कुछ लोगों में, ज़रूरी नहीं है ये सब में हो, बट ज़्यादातर पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है, स्पेशली जो आते हैं मेडिसिन लेने के लिए, उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और साथ ही साथ एक लो सेल्फ इस्टीम हमको देखने को मिलती है उन पेशेंट्स में जिनकी हाइट जो है वो छोटी होती है. हाइट छोटी होने के मतलब शॉर्ट हाइट के या हाइट धीरे बढ़ने के या फिर हाइट बिल्कुल ना बढ़ने के बहुत से कारण होते हैं और बहुत से फैक्टर्स होते हैं. उनमें से कुछ है हेरिडिटी फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, अगर आपकी फैमिली में आपके बुज़ुर्गों के या आपके पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी हाइट भी छोटी होगी और छोटी रहती भी है नेक्स्ट जनरेशन्स की हाइट. नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक ग्रोथ हार्मोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बोन्स का डेवलपमेंट, स्केलेटल डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट, ये सारा ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करता है. सो, अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की कमी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये एक रीज़न है. नेक्स्ट इज़ अंडर न्यूट्रिशन ड्यू टू एनी डिसीज़. अगर बच्चा या फिर टीनेजर भी हैं आप, तो ऐसी कोई डिसीज़ से, सिस्टेमिक डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं आप जिसकी वजह से बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है और ग्रोथ नहीं हो पा रही है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज़ अ कॉज फॉर शॉर्ट हाइट. नेक्स्ट इज़ माल अब्जॉर्प्शन, मतलब आप जो डाइट है वो कंप्लीट डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, बट वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है और उससे जो भी विटामिंस है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है और जो भी नरिशमेंट है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो इस कारण से हाइट छोटी हो सकती है. सो व्यूअर्स, होम्योपैथी हैज़ गुड स्कोप इन दिस. बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको होम्योपैथिक मेडिसिन से मिलते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के. जो मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ इस वीडियो में शॉर्ट हाइट को बढ़ाने के लिए, वो है न्यू लाइफ कंपनी की हाइटॉल मेडिसिन. ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें चार होम्योपैथिक मेडिसिन है. मैं आगे अभी आपको इस वीडियो में ही बताऊँगी वो चारों मेडिसिन कौन कौन सी है और उनके क्या एक्शन है. ये चारों ही मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और हाइट बढ़ाने के लिए जब हम इन मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. मैं रेगुलरली अपनी क्लिनिक पर यूज़ करती हूँ इस हाइट ऑल मेडिसिन का और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जब हम इसे करेक्ट एज में पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं हाइट बढ़ाने के लिए. तो ये डेफिनेटली ग्रोथ को बढ़ाती है, स्केलेटल ग्रोथ को और हाइट को बढ़ा देती है ये मेडिसिन. सो व्यूअर्स, मैं आपको मेडिसिन यहाँ पे दिखा देती हूँ न्यू लाइफ कंपनी की हाइट ऑल.
आई होप यू कैन सी दिस न्यू लाइफ कंपनी की ये मेडिसिन है, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू लाइफ हाइटॉल मेडिसिन है ये, इस तरीके की पैकेजिंग में आती है ये और ग्लास बॉटल पैकेजिंग है अंदर। ये देखिए टैबलेट फॉर्म में है ये मेडिसिन, मैं थोड़ा और नज़दीक से दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए ये टैबलेट्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इस मेडिसिन के कॉन्टेंट्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चार होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये यहाँ पर इसका कॉम्पोजिशन रिटन है। जो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें वो है बेराइटा काप 30। बेराइटा काप फिजिकल और मेंटल, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों ही डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट है इसमें कैल्केरिया फॉस, कैल्केरिया फॉस हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। थर्ड कंटेंट है इसका ओलियम जैक, जो शरीर की कमज़ोरी को दूर करती है ये मेडिसिन। एंड लास्ट है इसमें थायरॉयडिनम, जो कि ग्रोथ हार्मोन को रेगुलराइज करती है, प्रॉपर करती है बॉडी में, जिससे जो ग्रोथ है बॉडी की वो अच्छे से हो और जो हाइट है वो बढ़े। सो ये चार कंटेंट हैं इस मेडिसिन में। तो दोस्तों कंटेंट्स के बाद अब मैं बताती हूँ कि आपको इस मेडिसिन को न्यू लाइफ हाइटॉल को आपको कौन सी एज में यूज़ करना है। इस मेडिसिन को एज का आपको ख़ास ख्याल रखना है, एक स्पेसिफिक एज ड्यूरेशन के बीच में जब आप इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गर्ल्स में, मतलब लड़कियों में, इस हाइटॉल मेडिसिन को आपको यूज़ करना है 10 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक, मतलब 10 years to 18 years के बीच में आप इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे हाइटॉल मेडिसिन को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बॉयज़ में, मतलब लड़कों में, आपको हाइटॉल कौन सी एज से किस एज तक आपको यूज़ करना चाहिए। सो 10 साल से लेके आपको 20 साल की एज तक हाइटॉल आपको बॉयज़ में यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल तक आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं लड़कों में। सो लड़कियों में 10 से 18 साल और लड़कों में 10 से 20 साल की उम्र के बीच में अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि हाइटॉल को आपको यूज़ कैसे करना है, किस डोजेज में आपको लेना है। सो हाइटॉल टैबलेट फॉर्म में है जैसा मैंने आपको बताया, तो हाइटॉल की एक टैबलेट आपको सुबह चूस के खानी है और एक टैबलेट आपको शाम को चूस के खानी है। खाना खाने के आधे घंटा पहले लें आप ये मेडिसिन, या फिर आप खाना खाने के आधा घंटा बाद लें इस मेडिसिन को। अगर आपकी एज 20 साल से ज़्यादा है, 21 है, 22 है, तो फिर आप इस मेडिसिन को 2 टैबलेट सुबह चूसें और 2 टैबलेट शाम को चूसें। अदरवाइज़ आपको इसकी 1 टैबलेट सुबह शाम चूस के लेनी है। हाइटॉल मेडिसिन को लेने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आपको एज का बहुत ही ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है। जितनी जल्दी आप हाइटॉल लेना स्टार्ट करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे ही जैसे एज बढ़ती जाती है, जो बोन्स का फ्यूजन हो जाता है, उसके बाद जो ग्रोथ है उसका होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो परफेक्ट एज मैंने आपको बताई है, गर्ल्स में अलग, बॉयज़ में अलग, उस हिसाब से ही आप मेडिसिन लें और जल्दी से जल्दी मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर दें। न्यू लाइफ हाइटॉल आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। एक इंडियन भोपाल बेस्ड कंपनी है मंडी दीप में, उसकी मेडिसिन है ये। सो आप किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पर से इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप इसे परचेस करेंगे तो healthmug.com से परचेस कर लें। ये 25 ग्राम पैकेजिंग है मेरे हाथ में और इसी पैकेजिंग में शायद ये मेडिसिन आती है। और इसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 75 रुपीज़ है। सो आप शॉर्ट हाइट के लिए इस मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करें। मैं भी यूज़ करती हूँ अपने पेशेंट्स पर और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमेशा इस मेडिसिन से मिले हैं। तो अगर आपकी जो हाइट है वो कम है, स्लो ग्रोथ है, धीरे बढ़ रही है, या बिल्कुल भी आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, डाइट रिच ऑफ प्रोटीन विटामिन लें, और साथ में आप फ्रूट्स लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। डाइट का अच्छा होना, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही प्रॉपर ग्रोथ होगी। इसके साथ साथ आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, योगा करें, फिज़िकल वर्कआउट करें, इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हाइट बढ़ने में।
सो आप मेडिसिन लें और ये सारी चीज़ें करें, आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।